गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और टॉपिक करने वाले हैं जो है डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द चार्ज व्हेन वी पुट दैट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। सपोज देर इज एन एक्सटर्नल फील्ड, ये एक एक्सटर्नल फील्ड है, इसमें मैं चार्ज को रखूं तो किस तरीके से वो बिहेव करता है उसको हम पहले समझ लें। तो हम जब किसी चार्ज को किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करेंगे तो होगा ये कि हमें पता है कि भाई पॉजिटिव से स्टार्ट होती है फील्ड लाइंस और नेगेटिव में एंड्स हो जाती है। तो हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव में एंड हो रही है, तो चार्ज जो है ऑलवेज टेंडिंग टू मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इफ इट इज पॉजिटिव देन इट विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स नेगेटिव। इट मींस दैट एनी चार्ज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड विल एक्सपीरियंस सम फोर्स टुवर्ड्स द फील्ड इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। इफ द चार्ज इज नेगेटिव इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स अपोजिट टू द फील्ड टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। दैट्स वाई यदि मैं इनको हटा दूं तो भी हम यही कहेंगे कि भाई पॉजिटिव से स्टार्ट होती है फील्ड लाइंस, नेगेटिव में एंड होती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, और ये हमें याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो हमेशा किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, टूवर्ड्स द फील्ड। जिधर फील्ड है उधर एक फोर्स लगेगा, और फोर्स की वजह से वो यहां से इस तरीके से मूवमेंट करना शुरू कर सकता है। तो इस तरीके से कोई भी चार्ज यदि एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, और वो उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना, और उसकी डायरेक्शन यदि ले लें तो हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पहले से। हम कह रहे हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर किसी चार्ज को जब हम प्लेस करते हैं दैट एक्सपीरियंस सम फोर्स एंड द फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। ये हमारा फोर्स होगा। इतना जब हमें पहले से पता है तो अब हम डाइपोल को भी रख सकते हैं। अब मैं एक एक्सटर्नल फील्ड बना लेता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस तरीके से ये फील्ड बन गया हमारा, और इसके अंदर हम क्या रख देंगे, एक डाइपोल रख देंगे। और डाइपोल क्या होता है, डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दिस इज डाइपोल। तो डाइपोल को मैं यहां रख देता हूं इस तरीके से। ओके, डाइपोल को मैंने यहां पर रखा, मैं यहां कह देता हूं दिस इज द माइनस क्यू ऑफ द डाइपोल, दिस इज द प्लस क्यू ऑफ द डाइपोल। ये चार्ज प्लस क्यू है और ये चार्ज माइनस क्यू है, और हमें पता है द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल इज 2a, दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब हम यूं कहेंगे कि भाई सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये a है और ये भी a है। अब इसके अंदर दो चार्जेस हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। दिस विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, दिस चार्ज ऑल्सो विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस विल बी लाइक द पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंस फोर्स अलोंग द फील्ड एंड दैट इज क्यू ई इज द फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। सो द पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स अलोंग द फील्ड एंड द नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स अपोजिट टू द फील्ड, अलोंग द फील्ड एंड अपोजिट टू द फील्ड। ओके, बट द मैग्निट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस आर सेम बिकॉज द मैग्निट्यूड ऑफ द चार्ज इज सेम एंड द मैग्निट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। दैट्स वाई द फोर्स इज इक्वल इन मैग्निट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर नेगेटिव चार्ज
it is towards opposite to the field, and for the positive charge it is towards the field. इस तरीके से जब दो फोर्सेस, और हमें यह पता है रोटेशनल मोशन में हमने अच्छे से पढ़ा था टॉर्क को, जब हमने पढ़ा तो हमें पता है कि इफ देर आर टू फोर्सेस एक्टिंग अपोजिट एट सम डिस्टेंस, इफ देर आर टू फोर्सेस दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दे आर एक्टिंग अपोजिट at some distance, then there will be a torque in the system. एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा. उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी उसको हम समझें. तो सबसे पहले हम कहेंगे जब दो फोर्सेस हैं, इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट हैं डायरेक्शन में, और कुछ डिस्टेंस पर लग रहे हैं, हैव सम डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस है. और डिस्टेंस कौन सा होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं. तो हम कहेंगे इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ये देखिए ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है और वैसा डिस्टेंस भी है. तो हम यहां कह रहे हैं कि यहां पर कुछ डिस्टेंस होने की वजह से इसमें क्या जनरेट हो जाएगा, एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मान लीजिए चौक इस तरीके से रखी हुई है, मैं यहां रस्सी बांधकर इस तरीके से खींचूं और इस तरीके से खींचूं, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाऊं तो ये चौक यूं घूम जाएगी, ये इस तरीके से हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी. क्यों? द फोर्सेस आर एक्टिंग इक्वल एंड अपोजिट. इफ द वन फोर्स इज लोअर एंड वन फोर्स इज ग्रेटर तो ये घूमेगा, लेकिन साथ में ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा. इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट हैं तो ही परफेक्टली रोटेशनल मोशन होगी और टॉर्क जनरेट होगा. तो हम यहां कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से इस सिस्टम के अंदर जो डायपोल है वो रोटेट होगा और एक टॉर्क जनरेट होगा. उसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से दिया जाएगा, द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क टॉर्क कैसे दिया जाएगा, टॉर्क की डेफिनेशन से. व्हाट इज द डेफिनेशन, टॉर्क द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल्स टू द फोर्स नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस. जो फोर्सेस लग रहे हैं जिनकी वजह से टॉर्क जनरेट हो रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो यहां पर आ जाएगा. तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि टॉर्क विल बी इक्वल टू, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, द फोर्स, फोर्स इज क्यूई, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज क्यूई इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो देखिए, मैं यहां कह देता हूं इफ दिस इज थीटा, इफ दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, सो आई कैन राइट दिस इज 2a, दिस इज 2a साइन थीटा एंड दिस इज 2a कॉस थीटा, दिस इज 2a कॉस थीटा एंड इट इज 2a साइन थीटा. एज वी नो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस वन, तो हम यहां कह देते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2a साइन थीटा. Okay, and 2a and q can be written as p, magnitude of p, magnitude of e is over here, and sin theta, this is the magnitude of the torque. हमें पता है जब भी cos theta और sin theta आते हैं तो हम इनको dot या cross product में लिख सकते हैं किसी भी quantity को. तो यहां पर theta आया, लेकिन theta के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि theta है क्या. If theta is the angle between, as we know that from previous knowledge, A vector dot B vector को हम कैसे लिखते थे बेटा, हम लिखते थे magnitude of A magnitude of B cos theta, और A vector cross B vector को कैसे लिखते थे, magnitude of A magnitude of B sin theta n cap. तो हमें पता है कि
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए क्रॉस बी को हम लिखते थे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। सो इफ द थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर देन वी कैन राइट टॉ वेक्टर इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई इसी तरीके से। बट बिफोर दैट वी मस्ट नो द डायरेक्शंस दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड वी नो दैट फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक द डायपोल मोमेंटम हैज द डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू द प्लस क्यू चार्ज। सो द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर इज लाइक दिस। सो आई कैन राइट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सॉरी बिल्कुल इसके पैरेलल होना चाहिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। सो वी कैन राइट सो हाउ कैन वी राइट इट लाइक इसको हम क्या लिख सकेंगे पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बिकॉज दिस इज थीटा। तो मैं यहां लिख देता हूं द मैग्नेट सॉरी टॉ वेक्टर इज इक्वल्स टू द पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ओके दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन। केसेस ले लेते हैं केस फर्स्ट केस फर्स्ट क्या होगा इफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो थीटा जीरो रखेंगे तो कितना आएगा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क विल बी इक्वल टू पी ई साइन जीरो दैट इज जीरो। केस सेकेंड इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन टॉर्क विल बी इक्वल टू पी ई। ओके इस तरीके से दो कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली और भी कंडीशन डिस्कस की जा सकती है ठीक है थीटा की वैल्यू और चेंज कर दे लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इनको डिस्कस कर लिया। इसका मतलब समझिए थीटा इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब ये है कि ये जो हमारा डायपोल है ये इस तरीके से अलाइन हो थीटा जीरो होने का मतलब ये जीरो हो जाएगा इस तरीके से अलाइन हो इसका मतलब ये हुआ इसमें कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा मतलब ये रोटेट नहीं होगा। और यदि मान लीजिए थीटा 90 हो इस केस में हो तो जो टॉर्क रहेगा वो इस कंडीशन के लिए मैक्सिमम रहेगा। तो हम यहां इस तरीके से इनको कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कौन सा टॉपिक द डायपोल इन ए यूनिफॉर्म फील्ड दीज फॉर्मूलाज इज टू लर्न। ये फॉर्मूले लर्न करने के लिए हमेशा याद रहने चाहिए कि जब भी किसी डाइपोल को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो उस पर जो टॉर्क है दैट इज पी ई साइन थीटा। इतना याद रख लेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर अब देखिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और किस तरीके से ये हम टॉपिक देखते हैं चार्ज डेंसिटीज क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो कंटिन्यूअस जब नाम आ गया है तो हम उसको समझ लें कि करना क्या चाह रहे हैं। इस तरीके से समझते कंटिन्यूअस का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज जो है उसमें इक्वली स्प्रेड हो रहा है इसका मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इज कंटिन्यूअस। और यदि मान लीजिए चार्ज दें कुछ यहां रह जाए कुछ यहां रह जाए कुछ यहां रह जाए इस तरीके से
तो ये जो चार्ज है ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कैसा हो जाएगा? डिस्क्रीट। तो दो तरीके के हो गए, कंटिन्यूअस। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके फायदे क्या हैं वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी लिख देता हूं जिससे इनकी डेफिनेशन भी आ जाएगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं। देखिए ये अलग टाइप की डेंसिटी है। डेंसिटी पहले हम पढ़ चुके हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, दैट वॉज अ मास डेंसिटी। यहां पर हम पढ़ने वाले चार्ज डेंसिटी। एक और डेंसिटी आएगी हमारे पास, दैट इज करंट डेंसिटी। और बहुत सारी डेंसिटीज डिफाइन की जा सकती है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं बेटा लेमडा से। किससे डिनोट करते हैं? लेमडा से। अब इसका मीनिंग समझिए। सबसे पहले मैं कह देता हूं कि मान लीजिए एक वायर है, उसको हमने चार्ज किया, इस वायर को चार्ज दिया। चार्ज जैसे दिया तो यहां पर कुछ चार्ज आ गया इस सरफेस पर। अब जब चार्ज आ गया, मान लीजिए इसकी कुछ लेंथ है, ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं? मान लीजिए इसको मैंने, फॉर एग्जाम्पल, इसको 100 इलेक्ट्रॉन दिए, इसको 100 इलेक्ट्रॉन दिए। जब 100 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे। और मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ओके, 100 इलेक्ट्रॉन्स 10 सेंटीमीटर। आपको कहा जाए 5 सेंटीमीटर पर चार्ज निकालिए, कि मान लीजिए इसको कट कर दिया और इसकी लेंथ को कितना कर दिया मैंने? 4 सेंटीमीटर कर दिया सपोज है। तो बताइए इस पर चार्ज कितना है? 4 सेंटीमीटर लेंथ का जो वायर बचेगा उस पर चार्ज कितना है? अब हमें ये पता है कि जो चार्ज दिया है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए जो चार्ज है वो उसी तरीके से निकाला जाएगा जो जिस तरीके से हम यूनिटरी मेथड पढ़ते थे लोअर क्लासेस में, उसी तरीके से निकाला जाएगा। कैसे? मैं कहूं कि भाई 10 सेंटीमीटर पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, 10 सेंटीमीटर पर 100 इलेक्ट्रॉन्स, 1 सेंटीमीटर पर 100 अपॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स, और जितने भी रिक्वायर हो, 4 सेंटीमीटर पर कितने होंगे? 100 अपॉन 10 इंटू फोर्स। सिंपल। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसिल होके, और हमारे पास आ जाएगा 40 इलेक्ट्रॉन्स। ये फटाफट हमने कर लिया। देन दिस इज व्हाट? दिस इज द चार्ज डेंसिटी। दिस इज द चार्ज डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि वायर पर है। तो हम यहां पर कह रहे हैं ये क्या काम में आएगी? जब भी हमें एक पर्टिकुलर लेंथ पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकालना हो, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना हो, तो हम उस डेंसिटी को सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज दिस इज लेमडा, तो लेमडा को फोर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 सेंटीमीटर पर मुझे चार्ज मिल जाएगा। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन द एप्रोप्रिएट और रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वायर When the charge density is given to you, तो हम यहां पर कह रहे हैं कि इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द यूनिटरी मेथड बाई विच वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ चार्ज और अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वायर। और वी कैन से, अब देखिए जब ये पता चल गया दिस इज द चार्ज डेंसिटी, तो अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन किस तरीके से करेंगे? हम कहेंगे कि मान लीजिए इस पर जो चार्ज दिया गया है दैट इज डेल्टा क्यू, और इसकी जो लेंथ है वो डेल एल है, सपोज करो डेल एल। ओके, एक छोटा सा ले लेते हैं, छोटा सा पार्ट ले लिया। इस पर चार्ज है डेल्टा क्यू, और इस पर इसकी जो लेंथ है वो है डेल एल। तो मैं कहूंगा लेमडा डिफाइन किया जाएगा। लेमडा इज द, अभी क्या किया था हमने, टोटल चार्ज अपॉन द टोटल लेंथ। ओके, दिस इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ।
और वी कैन से द यूनिट ऑफ दिस चार्ज डेंसिटी इज कूलम पर मीटर, लाइक दिस। तो लेमडा हमें क्या पता चल गया, तो डेल्टा क्यू जब भी निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा बेटा, सिंपली लेमडा डेल्टा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब इतना सा पार्ट है, इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट है, इनफाइनेटली स्मॉल पार्ट है, इस पार्ट में यदि हमें टोटल चार्ज निकालना होगा, टोटल फील्ड निकालना होगा इसकी वजह से, तो हम सिंपली वही काम में ले सकते हैं, डेल इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह मुझे क्या रखना है, लेमडा डीएल, और आर की जगह मुझे क्या रखना है, आर डैश कर देता हूं, स्क्वायर एंड आर कैप डैश दिस, तो डेल्टा इस तरीके से निकल जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इसको हम बाद में इसका फील और लेंगे कि किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता है, क्यू बाई एल भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, दैट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से दूसरी हमारी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। सेम उसी तरीके से अब की बार हमने क्या ले लिया, एक एरिया ले लिया, और इस एरिया को मैंने कहा दैट इज डेल ए इज द एरिया, स्मॉल एरिया ले लेता हूं इसमें से, और इस पर चार्ज कितना है, डेल्टा क्यू है, तो सिग्मा इज डिफाइंड एज डेल क्यू अपॉन डेल ए, इज द एरिया, एस भी ले सकते हैं सरफेस, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हो आप, इसको क्यू बाई ए भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो, तो डेल क्यू इससे क्या आ जाएगा, दैट इज सिग्मा डेल ए, सिंपल। और ये काम में आएगा हमारे न्यूमेरिकल्स करते समय। तो द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया, सिंपल डेफिनेशन है। थर्ड वन इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम बेटा डिफाइन करते हैं रॉ से, डिनोट इससे करते हैं, और इसके अंदर कोई वॉल्यूम होगा, कोई छोटा सा वॉल्यूम का पार्ट होगा, तो ये 3D डायग्राम बनेगा, और इसको हम कह देते हैं रॉ से जब डिफाइन करेंगे तो उसी तरीके से डेल क्यू अपॉन डेल वी, इसका वॉल्यूम डेल वी कर देता हूं, इस पर चार्ज डेल क्यू कर देता हूं, तो इसको इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा कूलम पर मीटर क्यूब, और वी कैन ऑल्सो राइट इट क्यू अपॉन वी। जब भी हमें डेल क्यू निकालना होगा इस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, रॉ डेल वी कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन कैसे करोगे, सबसे पहले लेमडा को डिफाइन करना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और रॉ को डिफाइन करेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको हमें लर्न करना है और इनका फिजिकल मीनिंग भी समझना है, ठीक है। जब आप समझ जाएंगे तो इजीली आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि हमें इनको एग्जाम में भले ही ये नहीं पूछे जाए लेकिन इनको अप्लाई करना आना चाहिए, कि इनको अप्लाई किस तरीके से हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि कल से हम शुरू करेंगे गाउसेज लॉ, और गाउसेज लॉ इस लेसन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, इनिशियली स्टार्ट करेंगे। इसके लिए कल का वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू।